इसके मुझे एक मैं माफ़ी चाहूँगा बंद करने से पहले, एक छोटा सा बच्चा प्रिंस मेरे पास आया था, इज ही स्टिल हियर प्रिंस? बेटे आप मंच पर आइए, मैं एक बात ज़रूर इसके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस बच्चे ने आके जिस गाने की फरमाइश की है, मेरा मन नहीं कहता कि मैं उस गाने के बिना इस प्रोग्राम को एंड करूँ। पामिला जी, कैन वी हैव यू जस्ट टू सिंग द ओपनिंग ऑफ द सॉन्ग, ए मेरे वतन के लोगो ज़रा आँख में भर लो पानी। कहते हैं कि कहीं हिंदू कहीं सिख कहीं ईसाई तो कहीं मुसलमान रहता है, कहीं हिंदू कहीं सिख कहीं ईसाई तो कहीं मुसलमान रहता है, कहीं गीता कहीं बाइबल कहीं ग्रंथ तो कहीं कुरान रहता है। दोस्तों इन बच्चों के दिल में कहीं कोई दीवार नहीं, क्योंकि इनके दिल में पूरा हिंदुस्तान रहता है। तो प्रिंस, आई एम थैंकफुल टू यू बेटा फॉर दिस वंडरफुल रिक्वेस्ट, और मैं चाहूँगा कि देश के लिए आप सब, वैसे ये राष्ट्रगान नहीं है कि मैं आपको खड़े होने के लिए कहूँ, मगर इस गाने के सम्मान में कवि प्रदीप ने इस गीत को लिखा, चितलकर रामचंद्र ने स्वरबद्ध किया, और लता जी ने जब इस गीत को लाइव लाल किले बनाया तो उस वक्त नेहरू जी के आंखों में भी आंसू आ गए थे। आइए हमारे देश के सरहदों पर हम जो आज यहाँ पर सुरक्षित बैठे हैं, बड़ी आराम से सांस ले रहे हैं, इसका पूरा श्रेय जाता है सरहद पर हमारे फौजियों को। तो उनको सलाम करते हुए ये गीत पामिला जी पेश कर रही हैं। इसके साथ ही थैंक यू, वेरी गुड बेटा।